देखो जो मैंने कल बताया था आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगेन, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या बताया था मैंने आपको, यूनिट सेटिंग करना, कहाँ से करोगे आप? गो टू कस्टमाइज, यूनिट सेटअप क्लिक, यूएस स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें रखना है फीट डब्ल्यू पिक्सनर इंचेस, दिख रहा है यहाँ पे। और नीचे क्या रखना है यहाँ पे, डिफॉल्ट यूनिट में फिट रखना है, डिफॉल्ट फिट लेगा यहाँ पे, सिस्टम यूनिट सेटअप में इंचेस होना चाहिए, ओके फिर देन ओके। अगर आपको फिट इंच में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, तो फिर किस पे क्लिक करेंगे आप? यूनिट सेटअप में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, डिस्प्ले यूनिट स्केल मैट्रिक में। आ गया समझ में? इसे हिलाओ मत भाई, ये बंद हो जाएगा। सर यूनिट सेटअप कैसे आया सर? लिख लो आप इस प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी बोल दिया ना आपने, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा यूनिट सेटअप। गो टू कस्टमाइज, यूनिट सेटअप क्लिक, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये किस में वर्क होगा यहाँ पे? मैट्रिक में। किस में वर्क होगा? मैट्रिक में, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैट्रिक में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिट इंच में किस में वर्क करोगे? नीचे लिखिए फिट इंच, US स्टैंडर्ड, ठीक है, सिस्टम यूनिट सेटअप। अब सिस्टम यूनिट सेटअप, अगर आप फिट इंच में काम करो तो यहां पे इंच रखना है आपको, अगर आप मिलीमीटर में काम करो तो मिलीमीटर रखना है, सेंटीमीटर में वर्क करो सेंटीमीटर रखना है, मीटर में वर्क करो तो मीटर ही रखना है यहां पे। आगे समझ में? अभी हमने क्या रखा है यहाँ पे? फिट इंच, इंचेस रख दे यहाँ पे, ओके फिर देन ओके, नीचे नोट करिए, ओके फिर देन ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, ये आपका बॉक्स है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको फुल साइज करना हो पेपर को तो कैसे करेंगे? इस पेज को Alt plus W, maximize and minimize के लिए क्या करेंगे हम? Alt plus W, जिससे फुल साइज भी होगा छोटा भी होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। और एक दूसरे व्यू में आपको मूव करना हो तो क्या करेंगे? माना जाए कि मुझे टॉप व्यू पर क्लिक करना हो तो किससे क्लिक करेंगे? माउस स्क्रॉल बार से क्लिक करेंगे यहाँ पे, दिख रहा है आपको ना, लेफ्ट क्लिक का यूज करोगे ना आप राइट क्लिक का यूज करोगे, इससे क्या होगा? बीच से वैसे लेफ्ट क्लिक का यूज करोगे तब भी क्लिक हो जाएगा, उससे क्या होगा कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और माउस स्क्रॉल से क्लिक करोगे तो फ्रंट व्यू में भी सेलेक्ट ही रहेगा, अनसेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ये फ्री हैंड बना दिया बॉक्स, अभी मुझे नहीं पता इसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, अब मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है लेंथ, मैंने दे दिया इसका लेंथ कितना, 8 फीट, विड्थ दे दिया मैंने इसका 3 फीट, हाइट दे दिया मैंने इसका 1.5 फीट दे दिया मैंने यहाँ पे। और मूव सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे हम? W प्रेस करेंगे हम, मूव सिलेक्शन के लिए क्या प्रेस करेंगे हम? W प्रेस करेंगे हम, ठीक है। और इसे कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम? शिफ्ट दबाएंगे, क्या दबाएंगे? शिफ्ट, कल मैंने कॉपी लिखवाया था आप लोगों को, बाई प्रेस शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, जिस एक्सेस में आपको कॉपी करना हो उस एक्सेस में क्लिक करोगे आप, क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्टेड मूव ऑब्जेक्ट, ड्रैग कर दिया मैंने इस साइड पे, ओके मैंने यहाँ पे 1 प्रेस करा, इसका लेंथ कितना देना आपको? मैंने लेंथ चाहिए मुझे 8 इंच चाहिए इसका, जो हमें हैंडल बनाना है इसमें। और यहाँ पे ये स्नैप आ रहा है, तो मैंने कल आपको बताया था स्नैप ऑन ऑफ एज, किससे ऑन ऑफ होगा, या ऐसे भी होगा या क्लिक करके ऑन ऑफ भी होगा, दिख रहा है यहाँ पे? yes, स्नैप ऑन ऑफ बाय प्रेस एस, ठीक है।
इस पे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करा और क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको, वर्टेक्स, सिर्फ वर्टेक्स अभी ऑन रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो मैं स्नैप ऑन कर दिया मैंने, तो इसे पकड़ा मैंने और यहाँ रख दिया, पॉइंट टू पॉइंट आ गया। इसकी मुझे हाइट बढ़ानी हो तो यहाँ से हाइट आप दे सकते हो। क्लियर हो गया, इसे सेडिट कर दो यहाँ पे। सो राइट क्लिक करना है किस पे, यहाँ पे इससे वर्टेक्स लाने के लिए। हाँ, इसके ऊपर राइट, स्नैप के ऊपर राइट क्लिक, स्नैप के ऊपर राइट। हाँ, सेडिट करने के लिए। ऐसे दोबारा स्नैप बंद करके आपको कॉपी करना है। कॉपी किस में करना है आपको, इंस्टेंस में। कल मैंने बताया था ना, कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस। कॉपी में क्या होगा, कॉपी में सिर्फ जो सेपरेट सेपरेट रहेगा, सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी। इंस्टेंस में क्या होगा, हाँ इक्वल प्रॉपर्टी में रहेगी। अगर आप एक को चेंज करेंगे तो सारे ही चेंज होंगे इंस्टेंस में। देखो यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे एक को चेंज कर रहा हूँ, दोनों चेंज हो रहे नहीं हो रहे। क्लियर हो गया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी कर दिया था, इसे कॉपी करना है ना। और इसे भी कितना कर दिया मैंने यहाँ पे, इसका विड्थ 8 इंच, इसको भी कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैंने मूव करा, स्नैप ऑन कर दिया, आ गया यहाँ पे। और इसमें हमने इसका लेंथ बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ानी है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको पूरे को ग्रुप करना हो तो कैसे करेंगे आप, ग्रुप पे जाके स्लाइड करके, ग्रुप ग्रुप क्लिक, ग्रुप नेम देना है यहाँ पे, सोफा। ओके, बन गया। यही बताया था मैंने कल आपको, इतना बना लोगे आप लोग। इसको मुझे इस साइड मूव करना है, क्या करना है, इस साइड मूव करना है। इस साइड मूव कैसे करेंगे हम इसको, इस साइड मूव करने के लिए हम इसे मिरर करेंगे। मुझे चीजें यहाँ भी चाहिए ना, एक तो मूव करना अलग हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट सेम इस साइड भी चाहिए। तो हम वहां पे क्या करेंगे, मिरर करेंगे। मिरर कैसे करेंगे, दिख रहा है पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक मिरर। अभी नो क्लोन, नो क्लोन मतलब कोई कॉपी नहीं होगा मिरर के साथ में। तो किस एक्सिस में मिरर करना है आपको, एक्स में, वाई में, जेड में। मुझे एक्स में करना है इधर, तो एक्स में तो क्लिक ऑलरेडी। कॉपी करना है, इंस्टेंस करना है, रेफरेंस करना है। आप कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो, इंस्टेंस करना चाहते हो इंस्टेंस कर लो, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ओके, कर दिया मैंने, इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर दो। समझ में आ गया सर, इतना बना सकते हो, एक बताया था एंगल भी लगाना, ठीक है। रोटेट करना तो आसान है यार, है ना।